हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कैलकुलेट करना है किसके बीच में, अर्थ के बीच में और सन के बीच में, ठीक है। गिवन द मास, जिसमें आपको अर्थ का मास दिया है 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम एंड द सन का जो मास दिया हुआ है 2 × 10⁻³० किलोग्राम, ठीक है। एवरेज जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो दी है 1.5 × 10⁻¹ⁱ मीटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें पता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है इसको M1 दे देते हैं और ये हो जाता है M2, ठीक है। अगर आपने इसे का चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आपको प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में सारा चैप्टर मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ कंसेप्ट जरूर क्लियर करें, ठीक है। इसका मास हम इस ऑब्जेक्ट का M1 लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट का मास जो है M2 लेते हैं। तो इन दोनों के मास, जो ये ऑब्जेक्ट है इन दोनों के मास बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, स्क्वायर, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो मींस हमारे पास अब फॉर्मूला क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कि जो फोर्स होता है इज इक्वल टू क्या होता है, जी मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर, ठीक है। अब गिवन क्या है हमारे पास, जो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ, कितना दिया हुआ है हमारे पास मास ऑफ अर्थ, हमारे पास मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम। मास ऑफ मून, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³० किलोग्राम। अब डिस्टेंस मीन्स डी, आपको कितना दिया है 1.5 × 10⁻¹ मीटर। ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें फिल करते हैं, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी, हमारे पास कितना है, जी का हमें पता है क्या होता है 9.8, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर जो जी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट, अगर चैप्टर आपने नहीं समझा है तो इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, वो कितनी होती है उसमें, इसका हमने फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था ना उसी में ये चीज़ बताई हुई थी, तो आप उसको जरूर देखो बेटा, ठीक है। क्या होती है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 6.67, ठीक है। तो यहाँ पर 6.67 × 10⁻¹ⁱ तो मैंने यहाँ पर जी की जगह क्या लिखना, 6.67 × 10⁻¹ⁱ कैपिटल जी जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू दोनों आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल जी की और स्मॉल जी की, ठीक है। अब आगे मास ऑफ जो वन है वो हम ले लेते हैं अर्थ का मास, अर्थ का मास हमारा क्या है 6 × 10⁻¹⁴, ठीक है। सेकेंड मास हमारा क्या है 2 × 10⁻³०, डिस्टेंस हमारी क्या है 1.5 × 10⁻¹ⁱ की स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक वर्ड होते हैं उनको अलग कर लेते हैं और जो पावर्स वाले होते हैं उनको अलग करेंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन जो है हमारी बिल्कुल इजी हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ कर रही हूँ, देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है 6.67 × ये हो गई, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है 2, नीचे क्या हो गया 1.5 × 1.5, 10 की पावर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले 10 की पावर है 11, फिर सारी पावर्स हम यही लिख देते हैं, ये 11 है, साथ में अगर पावर्स मल्टीप्लाई में होती है तो वो क्या हो जाते हैं, पावर्स ऐड हो जाती है, प्लस 24 प्लस 30, नीचे हमारे पास क्या है 10 की पावर 11, ठीक है, और 10 की पावर 11, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पावर 11 11 है, मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मीन्स 10 की पावर कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ करते क्या आ जाएगा, पॉइंट्स यहाँ से हटाया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया 100, यहाँ के दोनों पॉइंट हटाए मैंने, यहाँ क्या कर दिया 100, 100 से 100 क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर कटिंग होती है कोई, तो देखो 3 से हो रही है यहाँ पे, 3 टू सा 6 और 3 5 सा 15, ठीक है। अब आगे कोई कटिंग हो रही है, आगे तो कोई कटिंग नहीं हो रही, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, क्या 667 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में मेरे पास 15 5 सा 75, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 11 प्लस 24 प्लस 30, ठीक है। एक मिनट, 10 की पावर जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में, 10 की पावर जो है ना आपकी यहाँ पर, ये माइनस 11 है, जो हमारी ग्रेविटेशन थी ये माइनस 11, ठीक है। ये जी की जो वैल्यू है ना 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, माइनस में। अब ये जो 22 आया है, 10 की पावर 22, ये नीचे है डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 22। अब देखो अगर मैं इन इन दोनों को सॉल्व करती हूँ तो क्या आता है, इन दोनों को अगर मैं पहले इधर सॉल्व कर देती हूँ, इन दोनों को अगर सॉल्व करती हूँ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 22 और 11 को अगर मैंने ऐड किया तो कितना आ गया मेरा, माइनस 33, ठीक है। फिर इन दोनों को मैं प्लस कर देती हूँ तो 30 और 24 कितना हो गया, 54, ये हो गया 54, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 667 की मल्टीप्लाई 2 में और फिर जो डिजिट आई उसकी मल्टीप्लाई 2 में, तो मैं 2 टू ज़ा 4, सीधे 4 की मल्टीप्लाई 667 में करूँगी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और ये 2, ठीक है। नीचे मेरे पास क्या हो गया, 75, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को, चलिए आगे यहाँ पर करते हैं। अब इसको मैंने डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपको डिवाइड तो आती होगी, ठीक है, आप डिवाइड कर लेना। यहाँ पर मैं आगे पहले 10 की पावर माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो 54 में से अगर मैं 33 को माइनस करती हूँ तो 10 की पावर क्या आ गया मेरे पास, 21, बड़ी डिजिट प्लस की, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके 75 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा इज इक्वल टू 35.57, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लेना। तो ये फोर्स लगा रहे हैं इसलिए क्या हो गया, न्यूटन, एफ इज इक्वल टू, समझ आ गया, इतना आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक स्टोन है अलाउ कर रहा है, फॉल कर रहे हैं टॉप से एक टावर से 100 मीटर जिसकी टावर की हाइट है, सेम टाइम पर एक स्टोन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, मीन्स यहाँ से एक ये टावर है, ठीक है, हम ले लेते हैं ये हमारा टावर है, ये कितना है 100 मीटर है, एक स्टोन जो है ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं और एक स्टोन जो है नीचे से ऊपर को फेंक रहे हैं, ठीक है। अब आगे बताया है कि स्टोन को अपवर्ड भेजा ग्राउंड की तरफ से, वेलोसिटी जो है मतलब जो नीचे से वेलोसिटी थी वो कितनी थी, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल, तो u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v फिर इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर u हमें गिवन नहीं है तो u हमने क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, When and where का क्या मतलब है, When का मतलब है टाइम, ठीक है, Where का मतलब क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, यही चीज समझ आनी चाहिए, When and where। तो यहां पर अगर u मेरा जो है वो जीरो है तो अब आगे क्या बोला हुआ है कि स्टोन कहां पर कितनी डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है x, यहां पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर यहां इस x पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस ले लूं तो यहां से ये यहां तक आया तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई मेरी, x हो गई, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं, इसकी डिस्टेंस क्या है, तो क्या होगा, देखो ये पूरी 100 थी और ये x है, 100 में से अगर मैं इस x को माइनस कर दूंगी तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, मीन्स ये मेरे पास क्या आ गया, 100 माइनस x, समझ आ गई बात, मीन्स यहाँ पर s की वैल्यू ये हो गई और यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या हो गया, x, समझ आ गया ना इतना।
अगर इतना समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हमारे पास दो केस हैं, एक ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन। फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं डाउनवर्ड मोशन। नीचे की तरफ, ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन में हमने क्या करना है, डाउनवर्ड मोशन में सबसे पहले हमने क्या क्या है हमारे पास, ऊपर से नीचे की तरफ में U, U मेरे पास कितना है, जीरो है, ठीक है। उसके बाद S मेरे पास कितना है, X है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है, अगर ऊपर से नीचे ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टी मेरे पास पता नहीं है, टी तो मुझे फाइंड आउट करना है। ये तो फर्स्ट केस है डाउनवर्ड में। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करूं कि मैं इसमें टी या पता कर सकूं, तो देखो हमारे फॉर्मूले कौन से थे, ये फॉर्मूले थे ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो यहाँ पर एस नहीं है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा ना कि मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पर एस भी है, यू भी है, ए भी है, तो मैं टी आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, कौन सा फॉर्मूला लगाना है मैंने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस मेरे पास क्या है, एक्स, यू मेरे पास है जीरो, टी प्लस 1/2, a क्या है 9.8 और t square। अब यहां से ये पॉइंट हटा के अगर मैं 10 कर देती हूँ ये कटिंग हो जाएगी, तो 2 2 4 और 2 9 18, तो मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो हो गया ना, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर इस 10 से पॉइंट अगर यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पे 2 4 8 आएगा, 2 4 8 या 9 है ना, तो यहां पर 4.9 टी स्क्वायर ये मेरे पास बच गया, ठीक है। तो अभी तो कोई मेरे पास ढंग से वैल्यू नहीं आई है इसलिए मैंने इसको क्या लिख लेना है, इक्वेशन नंबर 1, समझ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये तो हमारा क्या था, डाउनवर्ड की तरफ था, अब मैं अपवर्ड की तरफ करूंगी। अपवर्ड मोशन में क्या क्या दिया हुआ है मुझे, यू दिया हुआ है, क्या दिया मुझे, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना समझ आया। ए दिया हुआ है, ए पता है मुझे, ए कितना है, देखो अब मैं नीचे से ऊपर फेंक रही हूं मतलब ग्रेविटेशन के अपोजिट फेंक रही हूं, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ आ गया, क्लियर हो गया इतना। अब देखो टी इज इक्वल टू मेरे पास पता नहीं है, अब एस इज इक्वल टू मैंने यहां निकाला था क्या था मेरा, 100 माइनस एक्स, तो सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना यहाँ पर, सेम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मेरे पास कितना है, 100 माइनस एक्स, यू कितना है मेरे पास, 25, टी मेरे पास है नहीं, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए मेरे पास कितना है, -9.8 और टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, तो यहां पर क्या जाएगा मेरे पास, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 टी प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस, और इसको सॉल्व करके क्या जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर भी मेरे पास कुछ खास वैल्यू नहीं आई है तो मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी एक्स की वैल्यू, अगर मैं 4.9t² की जगह x लिख दूं तो चलेगा ना, चलो करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करती हूं मैं, तो मेरे पास क्या है, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t, अब यहां पर मेरा क्या आ गया, x, मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, 4.9t² की जगह, 4.9t की जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, क्लियर हो गया। माइनस माइनस दोनों सेम साइन क्या हो गए, कैंसिल, अब क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया 100, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड इज इक्वल टू टी, तो कितना आ गया, 25 1 25 25 4 100, ठीक है। तो मेरे पास टी कितना आ गया, टी आ गया मेरे पास 4, ठीक है, सेकेंड, ठीक है।
या गया टी 4 सेकेंड। अब मेरा क्या निकल गया, टाइम निकल गया, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस तो बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है, किससे निकल जाएगा डिस्टेंस, देखिए इसको हम यहीं पर करते हैं। डिस्टेंस के लिए अब देखो यहाँ पर पूरी हमारे टोटल 100 डिस्टेंस थी, ठीक है। तो 100 में से सबसे पहले मैंने क्या कर देना है, 100 माइनस एक्स, ये थी ना मेरे पास 100 माइनस एक्स, और दूसरे की डिस्टेंस हमारी क्या थी, दूसरे की थी हमारी एक्स, ठीक है, ये दोनों हमारी डिस्टेंस थी। तो एक्स एक्स मेरे पास ये है ना 4.9 × 10⁻¹² t², तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ x इज इक्वल टू 4.9 t², t मेरे पास क्या है 4 है, तो मेरे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.9 × 4², ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 4.9, 4 × 4 = 16, 16 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ गया मेरा 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप। ये टॉप से होगी डिस्टेंस, ये एक्स मैंने टॉप से निकाली ना डिस्टेंस, ये मेरा निकल गया फ्रॉम द टॉप से। अब फ्रॉम द डाउन से क्या निकलेगा मेरे पास, देखो मैं यहां कर रही हूं, ठीक है, दूसरे पेन से कर देती हूं। डाउन में मेरे पास क्या था, 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो 100 में से मैंने एक्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है, समझ आ गई बात। माइनस करके इसका कितना आ जाएगा, इसका माइनस करके आ गया है आपका 100 में 78, तो ये आ गया आपका 21.6 मीटर, और ये भी मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ये हो गया आपका, और यहाँ पर जो है ये टाइम, ये टाइम क्या है, जब दोनों आपस में मिले। तो अब क्या कंक्लूजन निकला इससे, कि ऊपर से वो स्टोन जो है वो कितना आया, 21.6 मीटर, और नीचे वाला जो स्टोन था वो कितना आ गया, 78.4 मीटर। और बाद में वो वहां पे जाए, नहीं सॉरी, ऊपर से जो है एक्स था ना, ये ऊपर से स्टोन आया कितना, 78.4 मीटर, और जो नीचे से स्टोन आया 21.6 मीटर। दोनों आपस में कहाँ मिले, जिस पॉइंट पे मिले, उस पॉइंट पे मिलने में उन्हें समय कितना लगा, 4 सेकेंड का टाइम लगा, और डिस्टेंस जो है ऊपर वाले स्टोन को 7.84 था, और डिस्टेंस नीचे वाले स्टोन को कितना लगा, 2.6। ये दोनों इतनी डिस्टेंस पार करने के बाद इस पॉइंट पर 4 सेकेंड में मिले, ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।